हेलो दोस्तों, लेट्स डू इट मेहंदी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप मेहंदी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो लेट्स डू इट आपके साथ है। हमारी वेबसाइट पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज है जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, जिसमें से कई कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। आज का टॉपिक है दुबई स्टाइल फ्लावर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बहुत सारे लेयर्स वाली जलेबी बनाएंगे, उसके अराउंड पेटल्स बनाने के लिए रेफरेंस लाइन लेंगे एंड देन 2 to 3 डार्क स्ट्रोक्स देंगे। रेफरेंस लाइन ऐसे लेनी है कि पेटल्स एक दूसरे के ऊपर या फिर अंदर आ जाए। ऐसे ही रैंडमली पहले रेफरेंस लाइन लीजिए और उसके बाद उसके ही ऊपर स्ट्रोक्स लेके पेटल्स बनाएंगे। दुबई स्टाइल फ्लावर्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट रेफरेंस लाइन, सेकेंड डार्क फिल एंड थर्ड शेडिंग। राउंड शेप में रेफरेंस लाइन लेंगे, उसके अंदर मिडिल में राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड स्मॉल पेटल्स क्रिएट करेंगे, बीच में छोटे डॉट्स करेंगे। अब वही पेटल के ऊपर थोड़ी बड़ी साइज की पेटल्स करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, देन राउंड के ऊपर एंड 2 पेटल्स राउंड के नीचे। अब ऐसे ही सेम डायरेक्शन में पेटल्स का थर्ड लेयर करेंगे एंड देन सभी पेटल्स में शेडिंग करेंगे और लास्ट स्टेप अच्छे से सभी पेटल्स को आउटलाइन देनी है। थर्ड लेयर में पेटल्स को डार्क आउटलाइन करेंगे, जलेबी करेंगे, जलेबी के अराउंड सी शेप पेटल्स करेंगे, सभी पेटल्स के ऊपर आउटलाइन लेंगे एंड देन अगेन उसके ऊपर सी शेप पेटल्स, सेम स्टेप फिर से कीजिए। उसके बाद सभी पेटल्स को डार्क फिल कीजिए। राउंड शेप एंड स्केल अप लेंगे, देन लोटस में जैसे ड्रॉपलेट एंड पेटल्स लेते हैं ठीक वैसे ही राउंड शेप के ऊपर और नीचे ड्रॉपलेट्स एंड पेटल्स करेंगे। सभी पेटल्स को अच्छे से आउटलाइन देंगे एंड देन स्केल अप के ऊपर डॉट्स करेंगे। राउंड शेप एंड स्केल अप कीजिए, देन 3 पेटल्स के लीफ पैटर्न करेंगे, लीफ ड्रॉप शेप वाले होने चाहिए। लीफ पैटर्न के दोनों साइड कर्व लाइन एंड डॉट करेंगे, ऐसे ही राउंड शेप के अराउंड लीफ पैटर्न और कर्व लाइन के साथ डॉट कर देंगे। जलेबी करेंगे, उसके नीचे 2 लीफ बनाएंगे, जलेबी के ऊपर राउंड पेटल्स करेंगे एंड देन रैंडमली बड़े बड़े पेटल्स लेने हैं। ऐसे ही थर्ड लेयर क्रिएट करना है। अब 2 पेटल्स के बीच में लीफ पैटर्न करेंगे, लीफ लेने के लिए डॉट करना है एंड वही डॉट को स्ट्रेच करना है। अब हर एक पेटल को शेडिंग करेंगे एंड देन लास्ट स्टेप अच्छे से आउटलाइन कीजिए।
जलेबी और उसके अराउंड छोटी कैरी ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लेयर में बड़ी साइज़ की कैरी ड्रॉ करेंगे एंड ऐसे ही वन आफ्टर दी अदर कैरी के लेयर्स ड्रॉ करने से उसमें से एक लेयर में डार्क आउटलाइन देंगे एंड लास्ट लेयर को भी आउटलाइन देंगे। फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। अब एक कर्व लाइन लेनी है एंड उसके ऊपर लीफ पैटर्न करनी है। सेम वे फ्लावर के दूसरी साइड भी लीफ पैटर्न क्रिएट करेंगे। जलेबी क्रिएट करके आउटलाइन करेंगे एंड देन ऑल अराउंड द जलेबी बिग स्केल अप करेंगे एंड देन ऑल अराउंड द जलेबी एंड देन स्मॉल स्केल अप करेंगे। उसके बाद वी शेप पेटल्स करनी है एंड वी शेप पेटल्स को आउटलाइन देनी है। अब कोई दो पेटल्स के बीच से एक कर्वी लाइन क्रिएट करेंगे एंड उसके दोनों साइड ड्रॉप शेप लीफ क्रिएट करेंगे। सेम स्टेप फ्लावर की दूसरी साइड क्रिएट करेंगे। थैंक यू।